आज के दिन सुपर संडे, जिसमें दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए। पहला मुकाबला एचएम एकता बाड़ी वर्सेस दमुआ के बीच खेला गया, जिसमें अंतिम गेंदों में 6 रन लगाकर एचएम एकता बाड़ी ने विजय हासिल करी और सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। वहीं आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला अमरावती वर्सेस पांडुर्ना के मध्य खेला गया, जिसमें अमरावती ने शानदार जीत अर्जित करते हुए सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। और आज के दिन का अंतिम एवं बड़ा महामुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला एचएम एकता बाड़ी वर्सेस विधान अमरावती के विरुद्ध खेला जा रहा है, जो कि चंद मिनटों में प्रारंभ होता हुआ। और जी हाँ, जो ये रंगारंग कार्यक्रम आप देख रहे हैं, एबीएम कप 2022, जो भी टीम इस टूर्नामेंट की विजयी रहेगी उसको 1,11,111 रुपए माननीय लोकेश गीतकर जी के तरफ से प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। जो इस टूर्नामेंट के ऑनर भी है, वही इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष भाई शुभम पंडागरे, उपाध्यक्ष रोबिन सिंह परियार, और इस टूर्नामेंट को सजाने में, संवारने में, इस ग्राउंड को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एसआरके क्लब ने और तमाम कमेटी के मेंबर, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर ऑफ साइड की दिशा में जो लाल कैप वाले लाइन में, जो बैनर के नीचे में लड़के लोग बैठे हैं, जो दर्शक बैठे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया बैनर से पीछे हो जाए। इस बीच काफी सुंदर गेंद, ऑफ स्टंप पे टक्कर है, सम्मान दिया वहाँ पर, समझे गेंद को, गेंद की गति को, गेंद की लाइन को। यहाँ पर हेमर एक इनामी 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वही काफी सुंदर शॉट। अगर आप एक मजबूत स्थिति में पहुंचेंगे, फिलहाल अगर मजबूत स्थिति की बात करें तो अमरावती की टीम बहुत मजबूत स्थिति में है। तीसरा ही ओवर फेंका जा रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, 39 बना लिए, कोई भी विकेट अपने आउट। आनंद ने आनंद प्रदान किया है। बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ है अमरावती का हेमर, जो कि काफी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए प्रख्यात माने जाते हैं, जाने जाते हैं अपने बड़े बड़े हिट लगाने के लिए। उनको पवेलियन भेजा यहाँ पर आनंद ने। एबीएम कप 2022 मुल्ताई को आप देख रहे हैं, जिसका प्रथम पुरस्कार 1,11,111 लोकेश गीतकर जी की तरफ से, जबकि एक नया परिंदा फाउंडेशन की तरफ से 55,555 रुपए, महावीर मेडिकल की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज बनने वाले खिलाड़ी को स्पोर्ट्स साइकिल और अन्य व्यक्तिगत पुरस्कार भी यहां पर पुरस्कार वितरण की बेला में प्रदान किए जाएंगे। सूर्य पुत्री मा ताप्ती का यह शहर है, सूर्य पुत्री मा ताप्ती की नगरी मुल्ताई है, और एक्सलेंस स्कूल का ये खूबसूरत सा मैदान है। शुभम पंडागरे रॉबिन सिंह परिहार की जोड़ी ने ये बहुत अच्छे टूर्नामेंट को आयोजित किया, जबकि मैच और मैदान की गतिविधियों को खबरों में प्रकाशित करने के लिए हम भाई तनवीर सिंह सोलंकी खोजी खजाना न्यूज से वो यहां पर उपस्थित, उनका धन्यवाद अदा करते हैं। भाई एसआर के क्लब के कप्तान पप्पू, आप सभी दोनों 68 रन बनाए हैं, 69 रनों का लक्ष्य दिया मैच जीतने के लिए। एचएम एकता बाड़ी जिला राशन गुज अतिक चौहान की टीम अमरावती से जल्द से जल्द फील्ड सजवाए और एचएम एकता बाड़ी अपने ओपनिंग बल्ले। बिल्कुल भाई शेख अब्रार, इस टूर्नामेंट के सहयोगी रिजवान खान, 3 गेंदे, 7 रन और 7 नंबर की जर्सी है गेंदबाज की, जो लक्की नंबर महेंद्र सिंह धोनी का, जो जर्सी नंबर महेंद्र सिंह धोनी का, 7 नंबर की वो जर्सी पहनते थे, यहाँ 7 नंबर की जर्सी क्या कमाल करेगी मिनिस्टर इनिंग्स के लिए। स्टंप पर गेंद की रनआउट की अपील कर रहे थे, 2 गेंदे, 6 रन, एबीएम कप मुल्ताई सेमीफाइनल मुकाबला, जो जीतेगा 55,000 रुपए पक्के, एक इनाम पक्का 55,000 हो गए भाई, 11 नंबर। क्या खेल किए मुदस्सर, अब जो 55,000 की बजाय
सुशील गेंद पर छक्का लगाया। सभी दर्शक ग्राउंड के जो नजदीक है वो बैठ जाए वहां पर, लेग साइड बाउंड्री की तरफ। अंतिम गेंद फेंका जाना बाकी। बिल्कुल, सात नंबर की जर्सी है मुदस्सर की, क्या वो लक्की साबित होंगे? भारतीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी के जर्सी नंबर सात था। राहुल इंदौर स्ट्राइक पर, कैप्टन के पक्ष में मैच आएगा। क्या अमरावती खुशी खुशी घर में आएगी? बधाई के बात रहे भाई। एबीएम ग्रुप एबीएम कप से उनको और उनकी टीम को ये सारी शुभकामनाएं रखने के लिए। बाली के कप्तान, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अंतिम क्षणों तक गया यह मैच, लास्ट बॉल पर छह रन जब लग रहे थे, आपका बल्लेबाज वहां पर राहुल क्रिस्पन मौजूद था, एक रन लेने का चांस था, ताबिस को स्ट्राइक मिल सकती थी लेकिन उसने मौका लिया। आपके दिमाग में उस समय पे क्या चल रहा था, क्या मानसिकता थी आपकी टीम की? जब लास्ट बॉल तक मैच चलता है तो कोई भी टीम हो वो कभी हार नहीं मानती। बस ये है कि हम लोग जिस सिचुएशन में थे, क्रेडिट देना पड़ेगा सामने वाली टीम को भी, उन्होंने बहुत अच्छी क्रेडिट दे दी और कहीं ना कहीं हम को ये मैच और पहले जीतना था। लास्ट बॉल तक हम लोग ये मैच ले रहे तो थोड़ा हमारी परफॉर्मेंस भी, हालांकि ये ग्राउंड से मेरा बहुत पुराना ऐसा रिश्ता ही रहा है कि 2019 में भी ये मैं यहाँ पे खेला था तो मेरा मैच सुपर ओवर गया था, तो शायद ऐसा लगता है कि मुल्ताई आएंगे तो आसानी से नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ये है कि अच्छा खेले और राहुल जब तक था तावेज भाई भी थे, ऐसा नहीं था, लास्ट बॉल तक भी उम्मीद थी कि हम जीत सकते हैं। एबीएम कप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी पर्सनल अगर राय दूं तो ये टूर्नामेंट जो है, जो इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था वो भी हम लोग जीत के गए थे, लेकिन ये टूर्नामेंट काफी बेहतर है और काफी बेहतर तरीके से ये टूर्नामेंट चल रहा है। यहाँ के ऑडियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शक जी, ऑडियंस के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी हम यहाँ आते हैं काफी सपोर्ट तो हमें रहता ही है और खासतौर से अधिक भाई रॉबिन भाई, इन लोगों के माध्यम से हम यहाँ 2019 से आना चालू किए हैं तो यहाँ पे पब्लिक हमें सपोर्ट तो करती है और मेरी टीम के नाम को सपोर्ट ज्यादा करती है, हिंदू मुस्लिम एकता को। किसी तरह की सेवाओं में कमी आई आपको एबीएम कप द्वारा? जी नहीं, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आई और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आज के लिए कि जो इसमें कमेटी में मेन मेंबर है रॉबिन भैया, उनसे मैंने बोला कि ये मैच प्लीज आप मेरे को 8 ओवर का खिला दो क्योंकि मेरे को जस्ट बरसा निकलना है टीम लेके, नाइट में मेरा सेमीफाइनल फाइनल है वहां पे, तो आधे लड़के तो इसलिए निकल भी चुके हैं। बाकी कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है और कोशिश करेंगे हम के फाइनल। हमारे बीच में यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक जिनके सुपुत्रगण यहाँ पर, नमस्कार, हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक इनके सुपुत्रगण यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं परिचय करवाता हूँ उनका। आदरणीय मैं राजेश गीत का, आर आर पंडागे सर, के एल सूर्यवंश। क्या कहना चाहेंगे आप? आज का मैच बहुत अच्छा लगा। चलिए, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, रोबिन भाई ने जो मेरी बात रखी उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और पब्लिक से ये कहना चाहूंगा कि जब हम 20 तारीख को आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करेंगे और हम भी आपको निराश न करें, इसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आज शिल्ड प्रदान की जा रही है पंडागे सर और
गीतकर जी की तरफ से